DPP 19 के डाउट्स रेडी रखी भी। यस, डाउट्स फ्रॉम DPP 19। सर क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस DPP? सर क्वेश्चन 10। टेन, और कोई क्वेश्चन पूरे DPP में? देखिए, सेवेंथ वाले के लिए ना आज फॉर्मूले आएंगे, 3 tan x और 2 tan x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन आप सवाल वैसे भी कर सकते थे अगर आप इसको 10^2 और 2 tan^2 में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से थोड़ा लेंथ ही जाएगा, बाकी इसके डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, ठीक है ना? तो इसमें पहले 2 कॉमन ले लेंगे, 10^2 प्लस 10^1/5, समझ रहे हो? फिर इसमें फार्मूला लगाओगे, फिर वो टू जो ट्वाइस ऑफ समथिंग आएगा कितना आ जाएगा, 10^(x+y) का फार्मूला लगाएंगे, ये कुछ बनेगा, और ये हो जाएगा 10^2 प्लस 2 tan^2, और ये वैल्यू जो अपनी आएगी 5/2, ये 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर ये 7/7/10 और 9/10, 7/9 यहाँ तक आ गए। अब फिर इसको कैसे लिख लोगे? ये मैंने एक क्वेश्चन पिछले क्लास में इस तरह का करवाया था कि इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेंगे और दो बार लगाएंगे फॉर्मूला, ये है ना? एक बार तो इसमें लग जाएगा, फिर इसका जो आंसर आएगा एक सिंगल 10^2 में, उसके साथ ये वापस एक बार ऐसे करके आ जाएगा फिलहाल। बाकी दोनों के लिए फॉर्मूले हैं, एक 3 tan^x का फॉर्मूला सीखेंगे आज और 2 tan^x का, और उससे डायरेक्ट हो जाएगा दो स्टेप में, ठीक है? नाइजल, इज इट क्लियर? समझ में आ गई? यस सर। सो दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड, ओके? वो ऐसे भी जाएगा, ऐसा नहीं है किससे नहीं आएगा। एंड देन देर मे बी सम स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि आंसर ही ऐसे हैं π/4, π/2, तो फाइनली इसको 10^2 लगा लगा के बार बार 10^6 + 10^y, अल्टीमेटली इट विल बी सम स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है? अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की। टेंथ क्वेश्चन इज cos 10^(sin cot)/(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 c
चक्कर है नहीं है, इसमें सीधे सीधे पूछा कि एक्स के टर्म में क्या आंसर होगा, तो तुम ऐसे करके आगे बढ़ जाओ। कॉट इनवर्स एक्स को इसको थीटा मान लो, तो इसको थीटा मान लोगे तो हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि तुमने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माना है। अब आइडेंटिटी से कॉस एक्स स्क्वायर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर, इसमें तुम ये वैल्यू रख दोगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें इंटरवल वगैरह नहीं दे रखा है, यू कैन टेक इट एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। क्योंकि देखिए ऑप्शन भी आप देखेंगे ना ए बी सी, सब में रूट के आगे कुछ माइनस वगैरह तो है नहीं है, वैसे जनरली देना चाहिए कि एक्स पॉजिटिव, बट नहीं भी दिया तो अज्यूम इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल,
अब ये वैल्यू आ गई तो अब इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा टेन इनवर्स और ये जो साइन लिखा है आपने, ये बेसिकली हम रिड्यूस कर रहे हैं क्वेश्चन को ना, पहले था कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, और अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस सब्सटीट्यूशन की वजह से आप सिर्फ दो टर्म्स में आ गए कॉस और टेन इनवर्स। अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा जब आप टेन इनवर्स वाले को कुछ मान लेंगे, इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा मान लीजिए, तो इसको अल्फ़ा मान लिया तो क्वेश्चन हो गया कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। अगेन सेम थिंग, ये टेन अल्फ़ा है, ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू है, ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल बना लो परपेंडिकुलर बाई बेस, वरना आइडेंटिटी से निकाल सकते हो sec स्क्वायर इज़ वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हाई वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कॉस अल्फ़ा निकालना है, आ गया आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे करके आप रिड्यूस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, यू कैन गेट इट। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। और किसी को कोई भी डाउट इस डीपीपी में जल्दी बोलिए, एनी डाउट इन दिस डीपीपी? ओके एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी दिस एक्सरसाइज द फर्स्ट वन एक्सरसाइज 2.1 एनी डाउट? एनी डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1? Yes, any doubt from this exercise? Exercise 2.2. Ask your doubts now. Exercise 2.2. For question 7. Question 7. Ask your doubts first, then I will solve. Apart from 7. And 14. 14th. Yes, any other doubt apart from 7 and 14th, any other doubt from this exercise? Okay, then I'm solving these two questions.
it is given that you have to simplify this when angle is from 0 to pi. Okay, so use trigonometry. 1 minus cos 2a is 2 sin square a, and 1 plus cos 2a is 2 cos square a. Then in the next step, it will be under root of 10 square x. I told you, whenever it is root of a square, it will be mod. But then this mod will be removed in the next step. Why? Because if x is 0 to pi, then x by 2 will be from 0 to pi by 2. That means first quadrant. First quadrant means 10 is positive. So I can write it 10x by 2. And the next step, I can write it as x by 2. Since tan inverse of 10x is x, if x belongs the interval minus pi by 2 to pi by 2. And exactly same is happening here. In fact, this angle, yeah, this angle belongs to this quadrant only, minus pi by 2 to pi by 2, this interval only. So it will be x. Understood? It's clear? Yes, sir. Okay, then 14th question. See, 14th you can observe also directly, it will be 1 by 5. Because see, this value highest can be, highest can be pi by 2, right? From the range, this highest can be pi. I'm not saying it will be, I'm saying it just can have this value. So that means their sum can be maximum how much? Highest can be 3 pi by 2 because of the range. Now highest 3 pi by 2, and that is behaving as angle for this sine. So think yourself. If I take this full quadrant, okay, and here they can go only up to 3 pi by 2. So in this zone, there is only one angle, right, for which this thing can be 1. And that angle is pi by 2. So sine inverse plus cos inverse x is pi by 2. Understood? As a result, cos inverse x is pi by 2 minus sine inverse. Now using property, I can write it as cos inverse 1 by 5. And then you compare and it is 1 by 5 from here. Is it clear? Yes, sir. All right. Any other doubts from this exercise? Any other doubt from this exercise? Exercise 2.1, 2.2, any other doubt? We come to the last part of the chapter. Now you will see some results here, okay. I will write all the results, you can also copy them, okay. And then finally we'll solve questions on this. We'll end this chapter today. Property 8.
Now this property it contains three formulae and each one of them have two or three branches. So, but they are very important because in differentiation also they are used a lot. Okay. I mean in upcoming chapters. So you learn them by heart. There's no time to derive and you know do all those things. This is the first one. Formula of sine inverse 2x upon 1 plus x square. Then similarly, there is formula of cos inverse. And there is third one, formula of tan inverse. Pi plus 2 tan inverse x for x less than minus 1. 2 tan inverse x if x is from minus 1 to 1 and minus pi plus 2 tan inverse x for x greater than 1. This is property 8 and contains formula of sin inverse 2x upon 1 plus x square, then cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and tan inverse 2x upon 1 minus x square. You can see that these formulae are in terms of tan inverse x. If you observe all the branches, every time tan inverse x is coming. Okay. See, let me prove second one for you. I told you proof will always remain same, that working will remain same, that I taught you in first class and when I did the substitution and everything. I can prove one for you here. So this is LHS. LHS is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, okay? Now I'm doing one substitution. Let tan inverse x equals theta. When you write this, you should always write the domain and range. I told you, so x belongs to R. And theta, if you remember in this interval, it is minus pi by 2 to pi by 2. And after this substitution, x comes out to be tan theta and now we will proceed. So this becomes cos inverse 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square. That is cos inverse cos 2 theta trigonometry. There are four formulae of cos 2a. This is in terms of tan. Cos 2a is 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square. Now I cannot blindly write it 2 theta. There should be the conditions which satisfy this, okay? I cannot simply write it as 2 theta. Also, if theta is from minus pi to pi, okay? Theta is from minus pi to pi, therefore 2 theta, the double angle will be from minus pi to pi. Fine? Minus pi to pi. Or you can do one thing here. Now, actually, what is the result that we have to use? The result to be used is cos inverse cos x is x if x belongs 0 to 2 pi, remember? And now you can see that this 2 theta is varying from minus pi to pi. So here we will make cases and because of that, there are two branches. Case 1. Look at this interval. Case 1, when theta is from 0 to pi. When theta is from 0 to pi. In this case, therefore,
So I have taken half the interval. Since 2 theta is varying from minus pi to pi, so I have taken from 0 to pi in one of this case. Because under this case, I can use, wait a minute, this is not theta, this is actually 2 theta, okay? Because I am talking about the interval of 2 theta, fine? So when 2 theta is from 0 to 2 pi, therefore, cos inverse cos 2 theta can be written as 2 theta, okay? What is theta? Theta is tan inverse x. So 2 tan inverse x. Now when this whole thing is happening, when LHS is becoming 2 tan inverse x, at that time, your theta is from 0 to pi by 2. Theta is 0 to pi by 2. And because of this, x will be positive. Why? Or 0 also, because tan theta is 0. Why? Because see, in first quadrant, tan is positive and tan theta is equal to x here. Okay. So x is positive. And why 0? Because at theta equal to 0, tan 0 is 0, that means x is 0. What is the meaning of this whole discussion? What you have proved? You have proved that cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, that was your LHS. This is equal to 2 tan inverse x, that is what you have proved when x is greater than equal to 0. Actually, this is your first branch. If you see the formula of second formula of first branch, it is this only. So like this we proceed. Now second case, that will be the remaining interval when it is from minus pi to 0. Now 0 I have already included, so I can exclude from here. And pi is itself in the open interval. Now under this, what will happen? Listen carefully. When this is the scenario, your minus of this angle, that means minus of 2 theta will be from pi to 0. ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या यूज होगा? इसका यूज ये होगा कि हम वापस से therefore cos inverse cos 2 theta जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा LHS है, उसमें अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, अब ये चेंज मैंने कैसे कर लिया? क्योंकि मेरे पास रिजल्ट होता है कि cos of minus x is equal to cos of x, इसीलिए. तो अगर मैं ये चेंज कर दूं, तो अब इसको मैं minus 2 theta लिख सकता हूं. क्यों? क्योंकि minus 2 theta 0 से pi के बीच में. और अगर ऐसा है, और theta क्या लिया हुआ है? tan inverse x. ये आ गया. और इस interval को आगे बढ़ाओगे, तो ये theta कौन से quadrant में आ गया? fourth quadrant में आ गया. और fourth quadrant में आने की वजह से यहाँ पर जो तुम्हारा tan है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो cos inverse cos 2 theta है, जो कि किसकी वैल्यू थी, ये देखो cos inverse cos 2 theta किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू है. इसका मतलब cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा minus 2 tan inverse x. कब हो जाएगा? जब x नेगेटिव. समझ रहे हो? इस तरह से आ जाएगी तुम्हारी सेकंड ब्रांच. अब तुम खुद ही समझ जाओ कि ऐसे अगर मैं हर फॉर्मूले का प्रूफ बार बार देता रहूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा. लेकिन वर्किंग तो सेम ही है ना, जो मैं पहले आपको प्रूफ्स में बताता हूँ वही तो सब कर रहा हूँ इसमें. आप चाहो तो खुद प्रूफ करने की कोशिश करो हर फॉर्मूले को, तो आपको उससे बेटर होगा बहुत. ITF ट्राई टू प्रूव एवरी फार्मूला एंड दिस ब्रांच जो क्रिएट होती हैं, ये सोचोगे ना बार बार, और अगर सही आंसर तक पहुँच पाते हो तो तुम्हारे लिए ITF ख़त्म. तो कभी भी कर सकते हो ये, मतलब. एनी डाउट इन दिस? अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा, आपको उन पर फिर क्वेश्चन करने होंगे. कंडीशंस कैसे आ रही हैं वो तो देख ही रहे हो, केसेस बनाने पर आती हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज कंडीशंस. Okay, then I proceed. I am writing the next properties here. दो और आएंगे set P9, P10 and it will be over. Property 9. Property 9 में एक तो आपके पास cos inverse इसका formula होता है.
टू कॉस इनवर्स एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग 0 to 1 और माइनस सॉरी 2π माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स आता है इफ एक्स इज फ्रॉम -1 to 0। देन एक रिजल्ट है आपका साइन इनवर्स में। एनसीईआरटी में तो ये प्रूव करने के लिए दिया था, पर ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर लेना। टू साइन इनवर्स एक्स लास्ट वालों में बस थोड़ा सा ये होता है कि ब्रांचेज होती है ये P8, P9 और P10, इनको आपको थोड़ा बार बार याद करना पड़ेगा, बाकी तो अभी तक ऐसा और तो कुछ याद करने के लिए था नहीं चैप्टर में। ये भी अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, आप यूज़ करते रहोगे बार बार इन ब्रांचेस को, तो ये भी आपको लर्न हो जाएंगे एक टाइम के बाद। अब इतना टाइम नहीं होता ना कि आप उसमें एग्ज़ाम में आप इनको डिराइव कर करके केसेस बना बना के निकालोगे, यू विल हैव टू लर्न देम। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी 9। इसमें दो फार्मूले हैं, कॉस इनवर्स 2x² - 1 और ये ऊपर वाला। अगर किसी को प्रूव करना है तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा या एक्स बराबर कॉस थीटा लेके प्रोसीड करेंगे, और सेकंड वाला तो मैंने आपको एक पार्ट इसमें कराया ही था, इसमें साइन वर्स एक्स को थीटा या एक्स को साइन थीटा लेके प्रोसीड करेंगे। तो देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आखिरी सेट करा रहा हूँ और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। P10 में आता है पहले आपका साइन इनवर्स 3x - 4x³। ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल की तरह एक ब्रांच इसकी प्रूव करवाई थी पिछली क्लासेस में। इसके भी तीन आंसर होते हैं, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच। देखो जितने केस बनते होंगे उतनी ब्रांचेस बनती हैं। मैंने जो प्रूव कराया था उसमें दो केस बन रहे थे तो दो ब्रांचेस बनी, यहाँ पर तीन केस बनते होंगे तो तीन ब्रांचेस हैं। आपके लिए एक तरह का होमवर्क ये हो सकता है कि अगर आप इन फॉर्मूलों को प्रूव करने की कोशिश करो ना हर एक को, तो वो तुम्हारे लिए एक तरह का होमवर्क हो सकता है। देखो मैं इसको फर्स्ट वाले को प्रूव करके दिखाता हूँ एक और, फिर सेकंड और थर्ड वाला हम इसी तरह से लिख लेंगे। इसमें तीन ब्रांचेज आ रही हैं तो कैसे आता है देखिएगा ध्यान से। लेट एक्स साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी x बराबर साइन थीटा। अब जैसे ही ये लेट किया, साइन वर्स एक्स को थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन वर्स के टर्म में ही सारा प्रूव हो रहा है। तो दो बातें आपको लिखनी होंगी कि x -1 से 1 तक और थीटा अपना -π/2 से π/2। अब LHS से आगे बढ़ेंगे, LHS को इतना दिखाना है ये तीन ब्रांचेस में। तो यहाँ पर आप जैसे ही पुट करोगे, मैंने आपको बोला भी था कि कुछ फॉर्मूले भी आपको पहचान में आएंगे, इसलिए भी हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये लिखा मैंने तो ये हो जाएगा साइन वर्स साइन 3 थीटा, है ना, साइन वर्स साइन 3 थीटा। अब फिर वही प्रॉपर्टी 5 आ जाती है, लेकिन इसको हम 3 थीटा तो लिख नहीं पाएंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट यूज़ होता है वो ये रिज़ल्ट यूज़ करना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है, याद आ रहा है, इफ एक्स -π/2 to π/2। तो यहाँ पर तीन ब्रांचेस पता है क्यों बनेंगी, क्योंकि इसमें तीन वो होंगे ये केसेस। क्यों? क्योंकि जब ऐसा हुआ तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक, इसका थ्राइस यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस सवाल को करने के लिए ना आप इसका ग्राफ बना लो, किसका, साइन वर्स साइन एक्स का। पिछले वाले में भी ऐसा कर सकते थे, देखो याद करो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ, तीन लाइनें बनेंगी इसलिए तीन ब्रांचेस आएंगी। वो कुछ ऐसा होता था, ये π/2 होता था, ये -π/2, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में एक्स होता है ना उसमें, इस क्वेश्चन में हमारा काम वो 3 थीटा कर रहा है, राइट, ये 3 थीटा देख रहे हो,
तो एक्स को थ्री थीटा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है एक्स का या थ्री थीटा का? माइनस थ्री पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो एक तो ये ब्रांच, फिर एक ये वाली और एक इधर। देखिए ये ज़ीरो था, याद करिए, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, और ये आपका माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस पाई, और ये माइनस थ्री पाई बाई टू। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन लाइनें बन रही हैं, तीन लाइनों की वजह से है ना इसके ये तीन ब्रांचेज आएंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें अगर हम इक्वेशन निकालें तो आपको याद होगा, अब देखो उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जो कि इतना बन चुका है, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ चुका है, जो कि आ चुका है साइन वर्स साइन 3 थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, x का काम 3 थीटा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए x का काम 3 थीटा कर रहा है, ऐसा माइंड में आप सोचेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो बीच वाली है आप याद करिए, y इज इक्वल टू x आता था जब x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन ए बी की इक्वेशन क्या है, देखो ए बी की इक्वेशन, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, स्लोप वन है, तो y इज इक्वल टू x लाइन है ना। और मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो x है वो 3 थीटा है यहाँ पर। अब दूसरी लाइन लिखनी है, ये बी सी, बी सी की इक्वेशन कैसे निकालोगे, स्लोप माइनस वन और पॉइंट क्या है, पाई कॉमा ज़ीरो, वाई माइनस वाई वन, स्लोप इसका ये है, तो ये आ रहा है भाई कितना, पाई माइनस एक्स आ रहा है। पाई माइनस एक्स का मतलब पाई माइनस थ्री थीटा, समझ रहे हो, क्योंकि हमारा एक्स ये है। और उस समय इंटरवल क्या है, इंटरवल आप देखो बी से सी में इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। और अब बचती है सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली, ये ए डी, ए डी निकालने के लिए माइनस पाई कॉमा ज़ीरो से पास हो रही है, इसका स्लोप माइनस वन, तो ये आ गया माइनस पाई माइनस एक्स, यानी माइनस पाई माइनस थ्री थीटा। कब, जब लेफ्ट वाला इंटरवल, लेफ्ट वाला इंटरवल कहाँ से, माइनस थ्री पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू। बस हो गया क्वेश्चन, हर जगह थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, थीटा की जगह आपको यहाँ से इंटरवल लाना है। तो देखिए तीन ब्रांचेस समझ में आ रही हैं, तीन ब्रांचेस कैसे बनी इसकी, देखो बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखी हुई है। तो सबसे पहले माइनस पाई माइनस थ्री थीटा, थीटा मतलब क्या भाई, थीटा अपना ये देखो यहाँ पर ही साइन वर्स एक्स, ये आ जाएगा सब जगह, तो ये पहली ब्रांच बन गई। तो दूसरी ब्रांच क्या, थ्री साइन वर्स एक्स बन जाएगी, तीसरी ब्रांच क्या बन जाएगी, देखो आ गया ऐसे करके। अब लास्ट में तुम्हें इंटरवल लाने हैं, तो पहले तो ये देखो कि जैसे मिडिल वाला है ना, मिडिल वाला मैं इसको अलग से सॉल्व करूँगा, इस वाले को ये यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ कि भाई थ्री थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, ठीक है। लेकिन मुझे इंटरवल एक्स का लिखना होता है, तो इंटरवल एक्स का लिखना है तो बहुत आसान है, यहाँ से निकाल लोगे, ये देखो ये ब्लू वाले से, माइनस पाई बाई सिक्स पे एक्स की वैल्यू होती है माइनस हाफ, और पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री पे हाफ, ऐसे आता है इंटरवल, बस यही करना है। अब अगला इंटरवल ये है, सॉरी पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू लिखना था, ये पाई बाई टू ही लिख दिया, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू। अब इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले में थीटा कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई सिक्स से पाई बाई टू। अब इसमें जब साइन लोगे, साइन क्यों लोगे, क्योंकि एक्स है साइन थीटा और एक्स का इंटरवल लेना है, साइन पाई बाई सिक्स हाफ और साइन पाई बाई टू वन, समझ रहे हो, ऐसे करके इंटरवल आ जाएंगे अपने, ऐसे बचा हुआ इंटरवल आ जाएगा ये। तो ये इसके प्रूफ्स हैं, ठीक है, ऐसे निकाले जाते हैं। तो तीन ब्रांचेस तीन केस की वजह से आ गई, तीन लाइन बन रही हैं इस वजह से आ गई, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे दो और आएंगे, बट आप समझ रहे होंगे कि प्रूव करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, इतनी देर में तो क्वेश्चन ख़त्म कर देना होता है। सो दिस वाज फर्स्ट वन, अब मैं दो और लिखूंगा एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉरी सेकेंड फार्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉस इनवर्स का है ऐसा ही, इसकी भी तीन ब्रांचेस बनेंगी, इसमें वो कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाले फार्मूले बनेंगे, तो माइनस टू पाई प्लस थ्री कॉस इनवर्स एक्स, टू पाई माइनस थ्री कॉस इनवर्स एक्स, और थ्री कॉस इनवर्स एक्स आता है। कंडीशंस आर माइनस वन टू माइनस हाफ,
माइनस हाफ से हाफ, और लास्ट वाला है हाफ टू वन। सिमिलरली द लास्ट वन दैट इज फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस 3x स्क्वायर। इसकी भी तीन ब्रांचेस होती हैं, एक होता है 3tan वर्स एक्स, एक आता है माइनस पाई प्लस 3tan वर्स एक्स, और एक आता है पाई प्लस 3tan वर्स एक्स। पहले वाले का है ये, मैं आपसे कह रहा था एक सवाल जो आया था डीपीबी में कि 3tan वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, वो इस फॉर्मूले की बात कर रहा था। फिर माइनस पाई प्लस 10 वर्स आएगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1/√3, और लास्ट वाला तब आएगा जब एक्स लेस देन माइनस 1/√3, और यहाँ पे जाके होता है फॉर्मूला एंड। ये जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं P8 P9 और P10 है ना, इसमें सब में दो या दो से कम तो किसी में ही नहीं है। आखिरी वालों में P10 में तीन तीन ब्रांचेज हैं, P9 में भी एक में दो ब्रांच थी, एक में तीन, और उसमें भी तीन तीन कर गई। ठीक है, जितना जल्दी लर्न कर लोगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, क्योंकि लिमिट्स में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इन सब में जो है इनका यूज़ होता है, इसलिए। अब कुछ क्वेश्चन किए जाए इस पर। तो एक तो जो हमारा क्वेश्चन था उसी को देख लेते हैं पहले, डीपीपी वाला, जो मैंने कहा था कि शॉर्ट तरीके से 3tan inverse 1/2 प्लस 2tan inverse 1/5 इक्वल्स, एंड द ऑप्शंस आर π/4, π/2, पाई एंड नन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है, ब्रांचेस का यूज़ कैसे होता है। तो पहला जो पार्ट है ना, पहला जो पार्ट है उसमें ये ब्रांच यूज़ हो जाएगी डायरेक्ट आपके सामने लिखी हुई है, थर्ड में फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास है 3tan inverse 1 जो कि आपको इससे कंपेरेबल दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है ना, और जो 1/2 है वो इस इंटरवल में आता है -1/√3 से √3 1/√3 के बीच में। इसका मतलब पहले वाले में आप 3tan inverse 1 को ऐसा लिख लोगे, ये मतलब हुआ, तो ये बन जाएगा 10 inverse 3 × x माइनस एक्स क्यूब मतलब 1/8 अपॉन 1 माइनस 3 × x² मतलब 1/4 प्लस 2tan inverse 1। इसका भी फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैंने आपको, जो P8 वाला है, P8 में तीसरा वाला कौन सा? ये वाला देखिए, 10 inverse 2x अपॉन 1 − x², इसकी तीन ब्रांचेस लिखवाई थी, इसमें जो मिडल वाली ब्रांच है ये, जबकि x -1 से 1 होता है, ये यूज़ हो जाएगी क्योंकि ये 2tan inverse x से कंपेरेबल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज जो इसमें x है वो 1/5 है
जो इस इंटरवल में आता है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे जो हमें पहले बार बार थ्री टेन इनवर्स में ब्रेक करना पड़ रहा था, टू टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स करके फिर टू कॉमन लो, कुछ नहीं करना है, सीधे रिजल्ट है। तो ये कितना बन जाएगा, अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अपॉन में इधर तो वन बाई फोर आ रहा है और ऊपर थ्री बाई टू माइनस वन बाई एट, चार इलेवन बाय इलेवन बाई एट है ना, और ये है टेन इनवर्स टू बाई फाइव और अपॉन में ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव, मतलब ये आ रहा है कितना, टेन बाई ट्वेंटी फोर फाइव बाई ट्वेल्व आ रहा है ये सिंप्लीफाई करके, और ये आपका आ रहा है इलेवन बाई टू। अब देखिए इसमें जब आप टेन, अब टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई लगाएंगे है ना, लेकिन आप इसमें एक बात देखें कि इलेवन बाई टू और फाइव बाई टू का जो प्रोडक्ट है वो वन से बड़ा है, इसलिए सेकंड ब्रांच यूज़ होगी टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई की, और वो होती थी पाई प्लस, तो इसमें गलती मत करते ना लास्ट में, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई पाई प्लस करके आता है और वन माइनस इलेवन बाई टू इंटू फाइव बाई ट्वेल्व। अब इसको सॉल्व करना है, ये आ रहा है पाई प्लस टेन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आएगी इसमें, अगर एलसीएम 12 लेंगे तो 60 71 आएगा और अपॉन में 55 बाई 24 ये वैल्यू 71 ऊपर 24 मतलब टू आएगा और ये 24 माइनस 55 ये वैल्यू कितनी है, 55 माइनस 24 कितना आएगा, हाँ 142 अपॉन माइनस 31, सो पाई माइनस दिस विल बी द आंसर, क्योंकि माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, आपको याद है ना, टेन वर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन वर्स एक्स, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा, डी विल बी योर आंसर, इज इट क्लियर नाइजल, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। तो ऐसे निकाल सकते हो ना, इन ब्रांचेस को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जो पी एट पी नाइन और पी टेन है, तो बार बार ये जो थ्री टेन वर्स और टू टेन वर्स एक्स को जो ब्रेक करना पड़ रहा था हमको, अब ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, एंड लाइक दिस यू कैन प्रोसीड। वैसे शायद मुझे भी ध्यान है यही आंसर आता है इसका, बाकी एक बार और चेक कर लेना कैलकुलेशन, दी विल बी द ऑप्शन। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व फॉर एक्स, टू कॉट इनवर्स टू माइनस कॉस इनवर्स फोर बाई फाइव इज इक्वल टू कॉस एक इनवर्स एक्स, एक्स निकाल के दिखाइए इसमें। सभी निकालें इसको, फाइंड एक्स फॉर मी।
Yes, any answer? So 25 by 7. यस करेक्ट गुड. देखिए इसमें सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए 2 tan inverse half. ये कैसे लिख लिया, क्योंकि cot inverse x tan inverse 1/x होता है अगर x पॉजिटिव हो, यानी रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं ना. tan inverse में चेंज करो क्योंकि फॉर्मूले tan, अच्छा सारे के सारे एक दूसरे inverse trigonometric फंक्शन में चेंज किए जा सकते हैं, तो कोशिश करो कि tan inverse में चेंज करो, बिकॉज उसके फॉर्मूले थोड़े से आसान हैं और एक ही में करते रहते हैं बार बार तो ईजी पड़ता है. अब दूसरे वाले को कैसे करोगे, उसके लिए बता रखा है देखो इधर. cos inverse 4/5 को थीटा ले लो, cos थीटा 4/5 हो जाएगा, ट्राइंगल बना लो, पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. 4/5 पाइथागोरस थ्योरम से 3 हो जाएगा, tan थीटा कितना 3/4, तो थीटा कितना tan inverse 3/4 है ना, थीटा tan inverse 3/4, तो tan inverse 3/4 हो गया. समझ आ रहा है, दोनों थीटा थीटा थे, वर्किंग साइड में कर रखिए. अब आज जो पढ़ाई थी प्रॉपर्टी उसमें, और अभी ये तो यूज़ भी किया था पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, देखो यहाँ पर ये लिखा भी होगा, ये लिखा है, ये tan inverse 2x वाला फार्मूला है ना, इसको यूज़ कर लो क्योंकि x माइनस 1 से 1 के लिए ये फार्मूला होता है. तो 2 tan inverse half को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan inverse 2x into 1 minus x square minus tan inverse 3/4 is equal to cosec inverse x. तो ये बन जाएगा 1 upon 3/4, 4/3 आ रहा है ये, ठीक है, इज इक्वल टू इतना, ठीक है. इसमें tan inverse x माइनस tan inverse y लगा दो, उसकी कंडीशन क्या होती थी, x और y दोनों पॉजिटिव, tan inverse x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. तो अब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आईडी लग गया होगा ना कि अब क्या करना होता है बेसिकली, कि ये कितना बन रहा है इधर, नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर है ये 16 माइनस 9 से 7/12 upon 2, 7/24. और देखो अब ये कंपैरिजन तो हो नहीं सकता, तो या तो मैं cosec inverse को बदलूँ tan inverse में, या tan inverse वाले को बदल लूँ cosec inverse में. तो एक बार और कुछ एंगल ले लो, उससे हो जाएगा सवाल. तो इसमें क्या कर सकते हो, tan inverse 7/24 को अल्फा ले लो, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ज्यादा है बराबर एंगल, tan अल्फा हो गया, ट्रायंगल बनाओ, कोसेक इनवर्स में लिखो, खत्म सवाल. 7/24 तो पाइथागोरस थ्योरम से 25 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी आती होगी. और यहाँ से आप ना कोसेक अल्फा लगा लो, तो कोसेक अल्फा कितना, हाइपोटन्यूज अपॉन ये, तो अल्फा कितना, अल्फा हो गया कोसेक इनवर्स 25/7. तो अल्फा आप समझ रहे हो दोनों को बराबर करना है आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख पाओगे, cosec इनवर्स 25/27, और फिर ये 1-1 फंक्शन होते हैं तो कंपेयर कर लोगे, तो इस तरह से x की वैल्यू 25/7 आ जाएगी. ये यूज़ है क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों. जस्ट मिनट, क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा.
देखो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पर, पी एट का पहला वाला है, आंसर बता दो इसका, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन ए ऑप्शन एक्स ग्रेटर देन वन, बी ऑप्शन एक्स लेस देन माइनस वन, सी ऑप्शन एक्स इज फ्रॉम ज़ीरो टू वन, और डी ऑप्शन माइनस वन से ज़ीरो के बीच में। So what is the answer of this? देखिए इसके लिए आपको ना पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं, राइट। इसकी तीन ब्रांचेस में एक तो क्या होता है 2 टेन इनवर्स x, एक क्या होता है पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x, और एक क्या होता है माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। तो ये तीनों ब्रांचेस से ना आप इसमें पुट करके देखो तब आपको पता चलेगा। एंड इट इज़ एक्चुअली मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ए एंड बी विल बी द आंसर। क्यों? आप हर बार इसका फॉर्मूला यहाँ पर रखो ना, तो क्या माइनस वन से वन में आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस वन से वन में जब आप इसकी वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स रखोगे तो ये टोटल फोर टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। मतलब एक्स तो आ रहा है उसमें, तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? लेकिन जब आप सेकेंड ब्रांच रखोगे और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा टू टेन वर्स एक्स प्लस पाई माइनस टू टेन वर्स एक्स। मतलब पाई आ गया, मतलब एक कांस्टेंट आ गया, मतलब एक्स के इंडिपेंडेंट आ गया। कब आ गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन में। सिमिलरली लास्ट वाले में भी ऐसा हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो माइनस पाई आंसर आ जाएगा, है ना। यानी ये भी ब्रांच चलेगी। अब ये दोनों आप देख सकते हैं ए और बी में प्रेजेंट है, सी और डी में तो फर्स्ट ब्रांच का पार्ट आ जाएगा, इसीलिए वो आंसर नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। अब अगर आपको याद ही नहीं है तो आप फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे?
फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, आप उसका ध्यान रख दो। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये भी मोर देन वन करेक्ट का है, मोर देन वन मे बी करेक्ट, और इसमें क्वेश्चन में आपके पास है टू टेन इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू, एंड दी ऑप्शंस आर माइनस कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाई फाइव, बी ऑप्शन माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव, सी ऑप्शन माइनस पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स माइनस थ्री बाई फोर, एंड डी ऑप्शन माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस थ्री बाई फोर। निकालिए इसका आंसर। येस, वॉट आर दी आंसर्स? नाइजल, क्या ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं? ए बी सी, ए बी एंड सी आर कमिंग। ओके, लेट अस चेक योर आंसर, ए बी एंड सी। तो देखो, सबसे पहले इसमें आप टू टेन, ये वापस से पी एट यूज होगा इसमें, है ना, पी एट, और पी एट में जो सेकंड वाला रिजल्ट था उसमें एक ये था क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स, मतलब सेकंड ब्रांच, सेकंड फॉर्मूले की सेकंड ब्रांच की ये जो वैल्यू है माइनस टू टेन इनवर्स एक्स होती है अगर एक्स को नेगेटिव रखा जाए तो। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक्स नेगेटिव ही तो है, माइनस टू है, माइनस टू इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो अगर मैं इसको माइनस टू को यहाँ पर रखूँ तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, इधर भी आ जाएगा फोर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू
माइनस टू टेन इनवर्स माइनस टू, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स इज नेगेटिव, उसके लिए फॉर्मूला होता है। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉस इनवर्स का टर्म में पूछा जा रहा है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स माइनस टू, और फिर दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन तो आ जाएगा। मैंने आपसे कहा फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकते हैं, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन आ गया। अच्छा, ए से बी कैसे आएगा? ए से बी ऐसे आएगा, ए से बी ऐसे आएगा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद आ रहा है? सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, पूरा चैप्टर ये प्रॉपर्टी का। तो ये कितना हो गया? माइनस पाई प्लस, यानी बी ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। आप इसी में और आगे बढ़ जाएंगे, इसमें आगे बढ़ के आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आगे, कोई भी एक पार्ट से आप सॉल्व कर लें, यहाँ से भी चल जाएगा। इसी में अब क्योंकि आपको राइट साइड में वैल्यू तो किसकी, ये वैल्यू किसकी लानी? अच्छा, ये टू मैंने अपने आप हटा दिया, टू तो रहेगा क्योंकि मैंने सिर्फ माइनस वन से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ से यहाँ तक। और फिर मैंने वो कॉस इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसा करने पर हमारे पास दो रिजल्ट तो आ गए ना, ए और बी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी से आगे चलते हुए ये कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव को अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, फिर वही तो कॉमन हो गया, थ्री बाई फाइव हो जाएगा। फिर ट्राइंगल बना के इसको ना टेन इनवर्स में लाने की कोशिश करेंगे। थ्री बाई फाइव है तो ये फोर हो गया, तो टेन थीटा फोर बाई थ्री, तो टेन इनवर्स फोर बाई थ्री लिख सकते हैं हम इसको, है ना? टेन इनवर्स फोर बाई थ्री इसको रख देंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स फोर बाई थ्री बराबर टू टेन इनवर्स माइनस टू। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में एक तो देखो, दोनों ऑप्शन देखो बचे हुए, सी और डी, सी और डी दोनों ऑप्शन में थ्री बाई फोर है ना, सी और डी ऑप्शन में दोनों में थ्री बाई फोर है, बनाया जा सकता है बहुत आराम से। ये मत कहना देखते कि ये कहाँ रहा, पहले सोच लो कि और कुछ तो नहीं हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें एक काम करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें माइनस को अंदर ले जाएंगे। देखो ये कौन सा वाला माइनस जो बीच में है, और टेन इनवर्स माइनस फोर बाई थ्री ये कैसे लिखा? क्योंकि फार्मूला होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, और उसके बाद एक कॉट इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए इधर कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, याद आ रहा है? पाई प्लस ही होता था ना, कॉट इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स वन बाई एक्स प्लस पाई, करेक्ट? चेक कर लेता हूँ उसको, पाई था या माइनस पाई प्लस था, क्या ऐड होता था इसमें? तो कॉट इनवर्स एक्स का पाई प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स होता था इफ एक्स इज नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर एक्स जो नेगेटिव है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये नेगेटिव है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बराबर टेन इनवर्स वन बाई एक्स, क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो नेगेटिव है, हालाँकि अगर यहाँ पर माइनस फोर बाई थ्री है तो इधर माइनस थ्री बाई फोर आएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो कैसे लिख देंगे इसको? इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स माइनस थ्री बाई फोर माइनस पाई बराबर टू टेन इनवर्स माइनस टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी माइनस कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर। ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर मतलब ये तो बना नहीं, डी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब बचता है सी, सी ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज सी ऑप्शन के लिए हम लगाएंगे, सी ऑप्शन के लिए हम लगाएंगे प्रॉपर्टी कौन सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स। देख रहे हो कितना प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें, ये तो ये बन जाएगा फाइनली माइनस पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स माइनस थ्री पाई बाई फोर, ये बन गया। इस तरह से आपका सी ऑप्शन भी आ गया, टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाली लगी, और देखो यहाँ पर इस स्टेप पे कौन सी लगी थी प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी लगी। और लास्ट में यहाँ पर कौन सी लग रही है प्रॉपर्टी, यहाँ से यहाँ तक
कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। ऊपर तो फॉर्मूले लगे हैं, मतलब 6-7 फॉर्मूले लग रहे हैं सवाल में, और हर ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि आप ऐसे सीधे जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन पे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जब तक कि आपको पूरा इसमें वर्किंग करके कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि कोई चीज़ बच रही है या रह रही है। ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर्स। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Anyone having any doubt? कोई डाउट नहीं है इसमें? जस्ट एक मिनट, एक क्वेश्चन देख रहा हूँ बुक में। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन निकाल दो तुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन टू टेन इनवर्स 1/5 माइनस 5/4, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। टेन ऑफ, फिर ये पूरा एंगल है, पूरा एक ही ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट ना, ऐसे भी बना सकते हो आप चाहो। निकालिए इसका आंसर क्या है।
यस, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ कुछ लोग इसको टेन वर्स वन बाई फाइव को थीटा मान के कर सकते हैं, टेन वर्स वन बाई फाइव को थीटा मान लिया, टेन थीटा बिल्कुल उससे हो जाएगा। और अब क्योंकि फार्मूला पढ़ लिया है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना सीखो। तो मैं सबसे पहले इसमें टू टेन इनवर्स इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो बनेगा टेन इनवर्स, वो फर्स्ट वाली वो ब्रांच लग जाएगी, ब्रांच तो वो ये टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स पर, और ये पाई बाई फोर, तो ये बन जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स। और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू 2/5 और 24/25, तो मतलब बता के 5, 10/24, 5/12, ये 5/12 आ जाएगा आपके पास। और सुनिए ध्यान से, इसको अब मैं टेन इनवर्स वन लिख लूँगा, अगली स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। पाई बाई फोर को टेन इनवर्स वन लिख सकते हैं ना। अब क्या लगाओगे? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। खत्म हो गया सवाल। कितना बन जाएगा ये? टेन ऑफ टेन इनवर्स 5 - 12 -7/17, एंड दैट विल बी योर आंसर। वाई प्रॉपर्टी, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। याद करिए प्रॉपर्टी, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो वी गेट दिस रिजल्ट -7/17। पहले रिजल्ट में क्या यूज़ किया था? टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कि वो टेन इनवर्स 2x/(1 - x)² होता है -1 से 1 के बीच में। तो हमारे पास कितना है? हमारे पास यहाँ पर 1/5 है। और क्या यूज़ किया है? कि पाई बाई फोर को टेन वर्स वन लिख सकते हैं। तो ऐसे ये तीन रिजल्ट यूज़ किए हैं और उससे बन गया क्वेश्चन। टेन वाले तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन थे टेन पे, जिसमें भी टेन वर्स आता है तो होना ही चाहिए। बाकी हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, किसकी कौन सी ब्रांच कहाँ पे यूज़ हो जाए वो तभी पता चलेगा जब याद होगा, वरना देखते रहना क्वेश्चन को क्या करना है। सो दिस एंड्स द चैप्टर, ठीक है? दिस एंड्स द चैप्टर एंड डिस्कशन एज वेल स्टिल, क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं होगी तो 1 DPP आई विल गिव यू। कल आपकी लैंग्वेजेस होती है ना क्लास, तो DPP 20 विल बी देयर। ओके, इट विल हैव सम गुड क्वेश्चंस एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन सैटरडे। अच्छी DPP होगी, थोड़ी उसमें जो है जान लगानी पड़ेगी करने के लिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको ट्राई करना। वी विल डिस्कस दिस ऑन सैटरडे। इफ टाइम अलाउज वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लिमिट्स। आज के लिए तो काफी, बस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।